दोस्तों, मैं तमन्ना एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ ओके क्रेडिट में, और आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ एक और नए बिजनेस आइडिया के साथ। आज जिस बिजनेस आइडिया को हम लेकर आपके सामने आए हैं, उसका समझ लीजिए कि उसका ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन हाँ, क्योंकि लॉकडाउन था तो तमाम कॉलेज, स्कूल्स, ऑफिस सब बंद थे, तो थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लेकिन हाँ, ये जो बिज़नेस है ये 12 महीने चलने वाला है। मैं बात कर रही हूँ स्टेशनरी के बिज़नेस की। हालांकि स्टेशनरी का बिज़नेस कई तरह का होता है, कई स्टेशनरी के बिज़नेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ आप स्कूल्स की चीज़ें रखते हैं, जैसे कॉपी, पेन, और जो बच्चे क्लासेस की बुक्स होती हैं, बच्चों की क्लासेस की बुक्स होती हैं, वो बुक्स आप रखते हैं। इसके अलावा कुछ स्टेशनरी की शॉप्स में आप जाते हैं, वहाँ पर फोटो सेट की भी सुविधा होती है, आप मेल कर सकते हैं, नेट की सुविधा वहाँ दी गई होती है ताकि आप साइबर में जाके अपना मेल वगैरह चेक कर सकें। इसके अलावा कुछ शॉप्स में आप जाते होंगे जहाँ पर और कई तरह की सुविधाएं होती हैं। यानी कि ये स्टेशनरी का बिज़नेस जो है वो एक तरह का नहीं है, अलग अलग तरह का है, और आपको डिसाइड करना है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करके कौन सा बिज़नेस चला सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। और बाकी जितने भी परामर्श हैं उसके लिए हम आपके साथ हैं। तो आज हम यही बात करेंगे और सब पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार स्टेशनरी का बिज़नेस कैसे शुरू किया जा सकता है और क्या लाइसेंस की ज़रूरत है या नहीं है, किस लाइसेंस को किस तरह से आप ले सकते हैं, किस तरह से कौन सा स्टेशनरी की शॉप आपके लिए सही रहेगी, और किस लेवल से आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तमाम चीज़ें जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा चैनल और वीडियो को अंत तक देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से आप एक स्टार्टअप दे सकते हैं इस बिज़नेस को। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिख के कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। ऐसे देखा जाए तो स्टेशनरी की दुकान खोलना आसान प्रक्रिया है, लेकिन यदि कोई कंपनी उद्यमी से अपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी आइटम्स खरीदना चाहती है तो ऐसे में आपको अपनी दुकान का टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी जगह से सामान नहीं खरीदती है जिसमें टैक्स बिल के स्टेशनरी आइटम्स नहीं बेचे जाते हैं। टैक्स रजिस्ट्रेशन करवाने से आप आसानी से हर एक के साथ बिजनेस कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने से पहले जान लीजिए कि स्टेशनरी की शॉप किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है, जिससे आपको बिजनेस को समझने में आसानी होगी। स्टेशनरी की दुकान किसे कहते हैं? ऐसी दुकान जहां पढ़ने लिखने और कार्यालय से जुड़े सामान मिलते हैं, साथ ही जहां क्राफ्ट, स्कूल, प्रोजेक्ट से जुड़ी सामग्री मिलती है, जैसे पेन, पेंसिल, लिफाफे, बुक्स, स्केल, कलर, नोटपैड्स आदि अन्य सामान मिलते हैं। स्टेशनरी की दुकान खोलने से पहले जान लें कि स्टेशनरी की शॉप 3 प्रकार की होती है। आप कौन सी स्टेशनरी की शॉप खोलना चाहते हैं इसे समझिए और फैसला लीजिए। सामान्य स्टेशनरी, प्रिंटिंग स्टेशनरी, कंप्यूटर स्टेशनरी। सामान्य स्टेशनरी, ऐसी स्टेशनरी की दुकान जहां पेन, पेंसिल, इरेजर, शॉर्पनर आदि तरह के सामान मिलते हैं, यानी कि ऐसी दुकान जहां स्कूल, कॉलेज और ऑफिस से जुड़ी हर सामान्य और छोटी से बड़ी हर आवश्यक चीजें उपलब्ध होती हैं। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ऐसी स्टेशनरी जहां प्रिंटिंग से जुड़ी आवश्यक चीजें भी मिलती हैं, जैसे कि प्रिंटर, कार्ट्रिज, प्रिंटर इंक, पेपर रिम, बॉन्ड पेपर आदि। कंप्यूटर स्टेशनरी, एक ऐसी स्टेशनरी जहां कंप्यूटर में यूज आने वाली हर आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध होती हैं, जैसे कि CD, DVD, पेन ड्राइव, माउस पैड आदि। चलिए जानते हैं आप स्टेशनरी की दुकान कैसे खोल सकते हैं। बिजनेस का मॉडल तैयार करें। बिजनेस को शुरू करने से पहले आवश्यक है कि आप बिजनेस मॉडल तैयार कर लें, जिससे आपको पता है कि आप किस तरह का बिजनेस शुरू कर रहे हैं। अपने बिजनेस की योजना बनाएं, जैसे कि बजट कितना होगा, खर्च कहां कहां करना है, मार्केट स्ट्रेटेजी क्या होगी, बिजनेस कितने छोटे और बड़े स्तर पर होगा, दुकान में क्या क्या सामान रखना है, माल कहां से उठाना है, टारगेट यूजर्स क्या होंगे, किस तरह की स्टेशनरी होगी आदि। जब एक बार आप अपने बिजनेस की प्लानिंग कर लेंगे तो आपको आसानी होगी बिजनेस को समझने में और बिजनेस को करने में, क्योंकि अब आपको पता होगा कि आपके बिजनेस का मोटिव क्या है। सही जगह का चयन करें। बुक और स्टेशनरी की दुकान खोलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यदि दुकान किसी स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट और दफ्तरों के आसपास हो तो ग्राहकों की अधिक संख्या आपको मिल सकती है। इससे आपको सामान्य ग्राहकों के साथ साथ कॉर्पोरेट ग्राहक भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा स्टोर किसी मुख्य मार्केट या भीड़ भाड़ वाली जगह पर हो, जिससे लोगों की नज़र पड़ती रहे और अपनी ज़रूरतों का सामान लेने के लिए वो आपकी शॉप पर आ सकें। यदि किसी बस्ती में भी आपकी दुकान होती है तो भी आपकी दुकान काफ़ी चलेगी।
आप इस स्टोर को अपने घर पर भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपका घर किसी रोड के किनारे है, एक ऐसी जगह जहाँ जहाँ आपका स्टोर चलने की संभावना है, तो आप अपने घर से भी स्टोर को शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि आपके घर में बाहर की तरह शॉप हो। स्टेशनरी और बुक स्टोर खोलने के लिए न्यूनतम 400 वर्ग मीटर की शॉप आवश्यक है, जिसे आप अपनी दुकान का सारा सामान आसानी से मैनेज कर सकें। यदि आप बड़े स्तर पर अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको इससे अधिक जगह की आवश्यकता हो सकती है, साथ ही एक गोदाम की भी आवश्यकता हो सकती है। दुकान के इंटीरियर की व्यवस्था करें। आपने अपनी दुकान का चयन कर लिया, अब बात आती है दुकान के फर्नीचर की। किसी भी स्टेशनरी के लिए इंटीरियर डिजाइन महत्वपूर्ण होता है, इसलिए जब भी आप फर्नीचर बनवाएं तो इस बात का ख्याल रखें कि फर्नीचर डिजाइन आपकी जरूरतों को पूरा करता हो, जो आपके दुकान के सामान को सही से समेटता हो और दर्शाता भी हो। दुकान का टैक्स पंजीकरण और चयनित जगह की अनुमति लें। आपने अपनी दुकान के लिए जगह का चयन कर लिया है। यदि दुकान आप अपने घर पर या अपनी जगह पर खोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन यदि आप दुकान किराए पर ले रहे हैं तो आपको रेंटल एग्रीमेंट की आवश्यकता होगी। यदि आप दुकान किराए पर ले रहे हैं तो दुकान खोलने से पहले दुकान के मालिक से रेंट एग्रीमेंट लें, क्योंकि बिजनेस के नाम से बैंक खाता और टैक्स पंजीकरण में आपकी दुकान का एड्रेस प्रूफ उपयोगी होगा। स्थानीय नगर निगम की स्वीकृति प्रमाण पत्र लें। अपनी शॉप का GST रजिस्ट्रेशन करवाएं, टैक्स पंजीकरण करवाएं। टैक्स पंजीकरण और GST के लिए आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट की मदद ले सकते हैं, या आपको सही सलाह देकर आपके बिजनेस को खोलने में आपकी सहायता कर सकते हैं। लाइसेंस एवं पंजीकरण। स्टेशनरी शॉप खोलने के लिए आपको शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत अपनी दुकान का पंजीकरण करवाना होगा। साथ ही एक्ट के अंतर्गत आने वाली सभी नियमों का पालन करना होगा। इस नियम के अंतर्गत मुख्य रूप से आपके एवं कर्मचारियों के काम करने के दिन, छुट्टियां और काम करने की समय सीमा निश्चित की जाती है। साथ ही इसमें यह भी तय किया जाता है कि धार्मिक और सरकारी छुट्टियों के दिन आपको भी अपनी दुकान में छुट्टी रखनी होगी, यानी दुकान बंद रहेगी। आप जो अपनी दुकान में व्यापार कर रहे हैं उसका लेखा जोखा और दुकान के मेंटेनेंस का खर्चा सभी को सुरक्षित रखना होगा। निवेश का डेटा भी सुरक्षित करना होगा। इन नियमों में वेतन एवं वेतन में होने वाली कटौती के नियम भी निश्चित किए जाते हैं। दुकान में काम करने वाले के वेतन से संबंधित नियम और काम से निकालने के नियम भी निश्चित किए जाते हैं। इन नियमों में महिला और पुरुष दोनों के नियम बनाए जाते हैं। स्टेशनरी की शॉप के लिए आवश्यक दस्तावेज। लाइसेंस और पंजीकरण के लिए आपके पास कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक संबंधित दस्तावेज, बैंक अकाउंट, जिस जगह पर दुकान है उस जमीन के दस्तावेज, दुकान और जमीन के मालिक के साथ किया हुआ समझौता पत्र आदि। स्टेशनरी की शॉप पर रखें हर सामान। स्टेशनरी शॉप में विशेष रूप से पेन, किताबें, नोटबुक, स्टेपलर, कैलकुलेटर, पेंसिल एवं पढ़ाई में उपयोगी सामग्री को ही बेचा जाता है, लेकिन आप स्टेशनरी दुकान रखने वाले लोग ग्रीटिंग कार्ड, शादी के कार्ड एवं गिफ्ट कार्ड्स भी रख सकते हैं। सीधे शब्दों में कहा जाए तो स्टेशनरी शॉप में आप लोगों के उपयोग की छोटी छोटी चीजें रख सकते हैं, जिससे लोगों को आपकी शॉप पर बार बार आने का मौका मिले। वो जब भी आपकी शॉप पर आए तो खाली हाथ ना जाए। कहाँ से उठाएं माल। स्टेशनरी में बेचे जाने वाला सामान आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से खरीद सकते हैं। यदि आप होलसेल में खरीदारी करना चाहते हैं तो आपको अधिक लाभ होगा। आप चाहें तो किसी कंपनी से सीधे तौर पर पेन, पेंसिल और कॉपियां खरीद सकते हैं। यदि आप सीधे किसी कंपनी से संपर्क करते हैं तो आपको सस्ते में सामान मिल जाएगा। इसके अलावा आप किसी सप्लायर से भी संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ, जगह जगह सप्लायर की एक चेन होती है जो हर एरिया में मिल जाते हैं। आपको अपने इलाके के सप्लायर को ढूंढना होगा जो सीधे आपकी शॉप पर आकर माल दे सके, और वो भी सही दाम में। निवेश कितना होगा। स्टेशनरी की शॉप खोलने के लिए कम से कम 50,000 रुपए तक की लागत आएगी, और यदि आप बड़े स्तर पर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको 10,00,000 रुपए तक का बजट बनाकर रखना होगा। कितना मुनाफा होगा। ब्रांडेड वस्तुओं को बेचने में 20-25% का मुनाफा होता है। अधिकतर कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स में प्राइस का लेबल लगाकर मार्केट में उतारती हैं, जिसकी वजह से दुकानदार अपनी मर्जी से पैसा नहीं बता सकता है। जो प्रोडक्ट्स में लिखा है उसी के हिसाब से माल बेचना होगा, क्योंकि दुकानदारों का मार्जिन पहले से प्रोडक्ट्स के साथ ही आता है। यदि आप अनब्रांडेड आइटम्स बेच रहे हैं तो आपको 50-55% तक आसानी से प्रॉफिट होगा। इसलिए स्टेशनरी की शॉप में आपकी पूरी कमाई इस बात पर निर्भर करती है कि आप किस तरह का सामान बेच रहे हैं। मान के चलिए यदि आप कोई 100 रुपए वाला प्रोडक्ट 140 या 150 रुपए में बेचते हैं तो आप आसानी से 40-50 रुपए हर आइटम में खरीद सकते हैं। बिक्री बढ़ाने के लिए मार्केटिंग करें। पैम्फलेट्स। मार्केटिंग करने के लिए आप पैम्फलेट्स छपवाएं। हफ्ते में या महीने में अपने गांव, शहर, कस्बे के न्यूज़पेपर घरों में डालने वालों के साथ डील करके आप न्यूज़पेपर की कॉपी के साथ पैम्फलेट्स डलवा सकते हैं। बैनर। किसी स्कूल, कॉलेज और दफ्तरों के बाहर या उसके आसपास अपनी शॉप का बैनर लगवाएं। ध्यान दें कि यदि आप मार्केटिंग कर रहे हैं पैम्फलेट्स या बैनर के माध्यम से, तो कुछ ऑफर्स भी रखें जिससे ग्राहक आकर्षित हों। अपनी शॉप से बिकने वाले आइटम्स में अपनी दुकान की पहचान लगाएं, जैसे कॉपी के कवर पर अपनी शॉप का नाम लिखवाएं आदि। अपनी दुकान पर डिस्काउंट जैसा
बड़ा ऑफर दें। आप चाहें तो अपनी शॉप को ऑनलाइन भी ले जा सकते हैं, जहां से लोग आपकी शॉप से ऑर्डर कर सकें। दुकान का मैनेजमेंट कैसे करें, दुकान में कितने घंटे किस दिन काम करना है, इसके लिए एक शीट बनाएं और प्रतिदिन आप इसमें डिटेल्स भरें, जैसे कि आज इतने बजे इतना काम करना है, हर दिन कौन सा सामान सबसे अधिक बिका और कौन सा सबसे कम, इसका लेखा जोखा तैयार करें। इससे आपको अंदाजा होगा कि मार्केट में किस चीज़ की अधिक डिमांड है, तो आप आने वाले महीनों के लिए पहले से प्लानिंग कर पाएंगे। हर दिन कितने घंटे दुकान खोलने से कितना सामान बिका और हर दिन कितनी कमाई हुई, उस कमाई में कितनी बचत हुई, इसका लेखा जोखा तैयार करें, जिससे आपको अपने दुकान के बारे में प्रतिदिन हिसाब किताब करने में आसानी होगी। हर सामान का एक मूल्य निर्धारित करें, जैसे ब्रांडेड सामान का मूल्य तो पहले से निर्धारित होता है, ठीक उसी तरह से अनब्रांडेड सामान का भी मूल्य पहले से तैयार रखें। यदि आप अनब्रांडेड सामान को 2 से 3 गुना मूल्य में बेचते हैं तो यही आपकी कमाई का जरिया होगा। अपने ग्राहकों से पेमेंट करवाने के साधन तैयार करने होंगे, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, भीम, पेटीएम आदि। ऑनलाइन पेमेंट की सहूलियत तैयार करनी होगी, जिससे कैश के अलावा भी लोग आपके यहाँ से खरीदारी कर सकें। यदि आपके पास 2-3 या इससे ज्यादा का स्टाफ है, तो आप उनको मैनेज करने के लिए ओके स्टाफ ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से आप अपने स्टाफ में मौजूद प्रत्येक सदस्य के काम को, उनकी छुट्टियों को, उनकी सैलरी को और उन्होंने किस दिन काम किया है और किस दिन काम नहीं किया, इन सब चीजों को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप इस ऐप जरिए आपके टीम में प्रत्येक सदस्य की जवाबदेही भी तय कर सकते हैं। अपनी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगवाएं, जिससे आपको आसानी से अपनी दुकान की सुरक्षा हेतु और दुकान में कहां क्या चल रहा है उस पर नजर रखें। तो चलिए, ये था स्टेशनरी बिजनेस शुरू करने का आइडिया, और अगर आपको ये आइडिया पसंद आया है तो आप इसको एक ट्राई दे सकते हैं और मन लगा के काम कीजिए। हर बिजनेस चल सकता है, सिर्फ इरादे नेक होने चाहिए और मेहनत लगती है और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, ये मैं बात बार बार कहती हूँ। हार नहीं माननी है किसी चीज़ को, अगर आपने शुरू किया तो उसको उसकी मंजिल तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। बाकी अगर आपके पास कोई आइडिया है हमें देने के लिए, कोई भी सलाह है, कोई मशवरा है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं, मुझे दीजिए। ओके क्रेडिट बिजनेस ओके है।